और बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं कृषि पंत भवन। ये सीधी तस्वीरें कृषि पंत भवन से सामने, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कृषि पंत भवन से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी अभी पहुंचे हैं। पूरा जाप्ता वहां पर तैनात, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि पंत भवन में कृषि पंत भवन पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीधी तस्वीरें यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी लोग उनका काफी समय से इंतजार कर रहे थे, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषि पंत भवन अब पहुंच चुके हैं। और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अब महादेव सिंह खंडेला आज पदभार संभालेंगे। ये सीधी तस्वीरें कृषि पंत भवन से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अभी अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषि पंत भवन पहुंचे हैं अभी अभी, जिनकी मौजूदगी में अब महादेव सिंह खंडेला बस कुछ ही देर में किसान आयोग के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे, और कुछ ही देर में चेयरमैन का चार्ज लेंगे महादेव सिंह खंडेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषि पंत भवन पहुंच चुके हैं, जहां से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बस कुछ ही देर में उनकी मौजूदगी में महादेव सिंह खंडेला किसान आयोग के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। कृषि मंत्री भवन से ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आप देख सकते हैं फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया जा रहा है। और अब मुख्यमंत्री की मौजूदगी में महादेव सिंह खंडेला आज किसान आयोग के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया गया, बस कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और अब उनकी मौजूदगी में महादेव सिंह खंडेला आज कृषि पंत भवन में किसान आयोग के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे और चार्ज लेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महादेव सिंह खंडेला को फूलों और माला देकर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। फूलों के गुलदस्ते से बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये सीधी तस्वीरें कृषि पंत भवन से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, जिनका फूलों के गुलदस्ते से स्वागत हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने महादेव सिंह खंडेला को माला पहनाकर और फूलों के गुलदस्ते से उनको बधाई दी। और बस सब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में महादेव सिंह खंडेला कृषि पंत भवन में आज किसान आयोग के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे और चार्ज लेंगे। बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पद ग्रहण समारोह होने वाला है। किसान आयोग के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे महादेव सिंह खंडेला। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कृषि पंत भवन से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, उनका फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महादेव सिंह खंडेला को फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें माला पहनाकर बधाई दी। और अब बस कुछ ही देर में पदभार ग्रहण समारोह शुरू होगा, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में महादेव सिंह खंडेला आज कृषि पंत भवन में किसान आयोग के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे और चार्ज लेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप तक कृषि पंत भवन से पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। आशीष होन करना भाई जी। भाई हमारे कृषि मंत्री लाल सिंह कटारिया जी, हमारे
लवली भैया, आशीष भाई माइक ऑन करना। योगी साहब यार, और विधान आयोग के अध्यक्ष मानव सिंह जी, उपाध्यक्ष आदरणीय दीप सिंह खेड़िया जी और तमाम उपाध्यक्ष हमारे साथ। वैसे तो ये पहली परंपरा चल रही है कि इस बार जो आयोग बन रहे हैं उसके जर्नी के अंदर भी हमें आने का सवाल, ये नई परंपरा शुरू हुई है और मैं समझता हूँ कि आकर के आप सबको यहाँ देख करके आपके उत्साह को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसी बहाने कम से कम कृषि मंत्रालय माना आप सबसे मिलना एक अवसर मिल जाता है और कृषि मंत्री ने कहा आयोग बनाने का उद्देश्य क्या है और मैं उम्मीद करता हूँ माधव सिंह जी को कोई देता है छह सात बार तो रहे MLA और मेंबर पार्लियामेंट केंद्रीय मंत्री अनुभवी हैं और इनके साथ ही हमारे आदरणीय दीप सिंह खेड़िया जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं तो दोनों और पूरी कमेटी भले ही सब मिलकर के मैं समझता हूँ आयोग को सलाह देगा सरकार को और मुझे भी हम लोग कृषि के क्षेत्र में और क्या कर सकते हैं। ये कृषि का क्षेत्र इतना बड़ा है जिसके बारे में कई तरह के चर्चाएं तो शुरू से होती रहती थी, अन्नदाता बने किसान बगैर खेती के कोई देश प्रगति नहीं कर सकता, सब बातें करते हैं। तो उसमें आ गया कि एक तब तो प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 22 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे और अभी तक शायद वो पूरी तरह हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। हम लोग भी चाहेंगे कि आमदनी कैसे बढ़े, कैसे मजबूत हो किसान और इसीलिए सरकार ने कई योजनाएं लगातार लागू की जा रही है जिसमें आप लोग तो भागीदार रहते हैं क्योंकि आप यहाँ विभाग में काम भी करते हैं। अभी हमने पहली बार किसानों के अलग बजट पेश करने का मैंने और उसी में हम लोग तैयारी में लगे हुए 24 तारीख को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि एक पहला प्रयास अच्छा शुरुआत हो रही है, कुछ कमी भी रह सकती है उसके अंदर पर जब आप लोग सिलाव आएंगे तो अगली बार और कुछ सुधार करेंगे। परफेक्ट कुछ नहीं होता है, लगातार सुधार की गुंजाइश रहती है, यदि लगातार व्यक्ति के लिए सीखने की गुंजाइश रहती है, कोई अहम नहीं रखे और सीखते रहे जिंदगी भर वो ज्यादा सुखी रहता व्यक्ति। उसी हिसाब से मैं समझता हूँ जब हमने शुरुआत करी है अलग बजट पेश कर, हालांकि हमने शुरुआत ये भी करने की कोशिश करी अलग बिजली कंपनी बने उसमें अभी थोड़ी तकलीफ आ रही है क्योंकि वो बड़ा काम भी है, सब GHS सारा ट्रांसमिट सिस्टम और कैसे उसको अलग करें क्या करें, पर वो तो कोई बात नहीं अभी काम चल रहा है। पर ये जो हमने कदम उठाया है अलग बजट पेश करने का, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े उसके लिए खेतों में कैसे फूड प्रोसेसिंग पे लगे उसके लिए सब छूट दे दी गई है कन्वर्जन वगैरह की, बहुत एक एक करोड़ रुपये तक अनुदान है आप सबको मालूम है चार कुछ साथी बैठे हुए। मेरे कहने का मतलब यही है शॉर्ट में कि एक से एक बढ़ के हम लोग योजना ला रहे हैं किसानों के लिए पशुपालकों के लिए। इसके बाद जब नारायण सिंह जी बने थे अध्यक्ष इसी आयोग के तब इसराइल गया था ये डेलीगेशन किसानों को लेकर गया था, मैं भी बाद में गया था, मुझे मालूम है कि वास्तव में वहाँ पर कितना एक माहौल बन गया है, रेगिस्तान इलाके थे पर आज वहाँ पर खेती के लिए विश्व के अंदर पहचान बन गई। हम भी चाहेंगे हमारे किसानों को लाभ मिले ड्रिप इरीगेशन में, कैसे स्प्रिंकल में, कैसे फर्टिलाइजर मिक्स करके कैसे इरीगेशन करें, कई तरह की नई तकनीकें वहाँ देखने को मिली। राजस्थान में बहुत गुंजाइश है क्योंकि रेगिस्तान और अकाल चुके पड़ते रहे आज तक और उसमें हमारे सदियों से लोग तकलीफ दे रहे हैं, अकाल चुके में क्या मांग होती थी पहले ज़्यादा पड़ती थी,
पर धीरे धीरे मानसून का मियार बदल गया है, धीरे धीरे मशीन आ गई ट्यूबवेल की और हैंडपंप की, तो आज पानी सिंचाई के लिए भी कौन भी तरीके से उपयोग करते हैं, डाल ढूंढ लेते हैं, तो किसानों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अकाल छुट्टी में उसके लिए चारा मवेशी के लिए वो भी चैलेंज होता था, रोजगार के लिए मजदूरी मांगते थे तो मजदूरी जाते थे। नरेगा आ गया, ये तो यूपी गवर्नमेंट जब हमारे कटारे साहब मंत्री जी केंद्र में उस वक्त में माली सिंह जी थे, उस वक्त में जो यूपी गवर्नमेंट ने कदम उठाया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, कि कानून बना के अधिकार देने की युग की शुरुआत है, युग की शुरुआत। पहली बार कानून बना के सूचना का अधिकार दिया जो विश्व के अंदर बहुत ज्यादा उसकी पहचान बनी। खाद्य सामग्री का अधिकार दिया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल आप कल्पना कर सकते, गरीबों के लिए वो वरदान साबित हो। राइट टू एजुकेशन दिया, शिक्षा का अधिकार, उसमें गरीबों बच्चे भी अच्छी स्कूल जा सकते हैं। हालांकि अभी हमने सुने ही अभी जब गोविंद दत्ताचार्य जी थे शिक्षा मंत्री, तब उन्होंने इंग्लिश स्कूल शुरू किए। इंग्लिश स्कूलें शुरू करने के कारण बहुत क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में और मोबाइल और इंटरनेट का युग आ गया, कंप्यूटर का, उसके बाद में आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं आईटी का कोर्स करने से उनकी तनख्वाहें 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ ज़्यादा होती है, तो जमाना बदल गया है। और हमारे राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर बच्चे जो है जब इंग्लिश नहीं सीखते तो बड़े होकर तकलीफ होती है। जैसे मैं खुद बचपन से अंग्रेजी विरोधी रहा, कल भी ना हो चुका, क्योंकि पहले जमाना था जब दक्षिण के अंदर हिंदी का विरोध होता था, हम पढ़ते थे, यहाँ के छात्र होते थे, हम लोग विरोध करते थे अंग्रेजी का, वो बोर्ड जिला जैसे लिखा हुआ था हिंदी का दक्षिण के अंदर, विशेष रूप से तमिलनाडु के अंदर, हम लोग यहाँ वापस हम लोग मतलब कुछ उत्तर भारत के बच्चे छात्र थे, तो हमने कहा अंग्रेजी क्या काम आएगी, तो हमारी भी एबिलिटी पड़ी कि अंग्रेजी बोलो, बातचीत करो ढंग से, तुक्का लगा के बात कर लो खाली, तुक्के बाजी का ही काम कर। अब जो ये काम किया है अंग्रेजी स्कूलें खुलने लग गई है गांव के अंदर, आप देखेंगे 10-15 साल के बाद में राजस्थान का वो क्रांतिकारी फर्क पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के अंदर, मानव संसाधन के अंदर, हमारे बच्चे फ्रेंडली इंग्लिश बोलेंगे, बातचीत करेंगे। बचपन से जब प्री प्राइमरी में हम शुरू कर रहे हैं, तब कल्पना करो प्री प्राइमरी शुरू हो रही है, प्राइमरी शुरू हो चुकी है, संख्या बढ़े जा रही है, वो बच्चे बचपन से ही 2-3-4-5 साल की उम्र में जब इंग्लिश बोलना सीखेंगे तो भी जवाब में इंग्लिश भी आएगी, हिंदी तो आएगी आएगी, तो वो बच्चे कहीं जाओ दुनिया में देश में तो वो एक कॉन्फिडेंस है अपना जो उद्देश्य पूरा करना। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग बैठे हो जो सब जुड़े हुए हो इस विभाग से जिनका वास्ता बढ़ता है किसानों से भी और किसानी से भी और सबसे, और एक लास्ट बात ये जो नरेगा शुरू किया गया, मैंने कहा की बात की आपसे, उसमें मैं खुद 20 साल से मेंबर पार्लियामेंट रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, तो मैं गाँव गाँव में जाता था, मुझे मालूम क्या स्थिति थी 40 साल पहले, अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि नरेगा कानून बना के अधिकार दे दिया, कम से कम 100 दिन के रोजगार मांगो तो मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा घर बैठे हुए पैसा मिलेगा, वो बात अलग है, किसानों को मालूम ही नहीं बातों का, कई लैंड लेबर को मालूम होता ही नहीं कि वास्तव में ये भी है कि आप अगर काम मांगा आपने नहीं मिला तो आपको घर बैठे पैसा मिलेगा, परंतु मालूम नहीं होता कई बार। पर नरेगा जो स्कीम आई है ये चांदा की वित्तीय है, आज अकाल में जो अकाल पड़ भी जाए तो लोगों चिंता की लकीरें छह भी नहीं आती है, क्योंकि तो मालूम मुझे रोजगार मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि हम किसानों के लिए इतनी स्कीमें लेने के आ रहे हैं, अब दूध उत्पादक है उसको 2 रुपये लीटर हमने दिया सब्सिडी दी थी, पिछली बार सरकार हमारी सब्सिडी दिया शुरू किया तो सरकार बदली तो बंद हो गया, वापस में शुरू किया, ये तमाम जो हमने कदम उठाए उस पर मैं तो चाहूँगा कि अगर आप हमारे अध्यक्ष जी किसान के और उपाध्यक्ष जी अभी तो 23 को आ रही है बजट आ रहा है उससे पहले मुश्किल देना चाहें, ये दोनों अनुभव ही है
आपसे बात भी कर सकते हैं, आप पर बात करके मैं समझता हूँ सलाह देना हो। कृषि मंत्री जी क्या देते हैं इनको, तो विशेष रूप से मैंने कहवाया कि भाई आप विभाग की तरफ से और भी बात करना चाहते हैं मुझे बताइएगा, मैं चाहूंगा जो चाहो जो मांगो मांग लो, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा आपके सामने। यही बात कहता मैं, बहुत संभव बोल गया, मुझे पता नहीं था भाषण देना पड़ेगा, मैं तो बिना भाषण के अंदाज में आया था कि मेरे माजी से जो कहा शायद बता लो मेरे मन आज पड़ जाऊंगा, तो इन्होंने तो कटाई जी ने तो इसको पकाया था तो कहा तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आ गया आ गया। कृषि पंत भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी अभी वहां से रवाना हुए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी अभी रवाना हुए वहां से। सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, किसान भाइयों और मीडिया के सभी साथी, मैं सबसे पहले सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, किसान भाइयों और मीडिया के सभी साथी, मैं सबसे पहले सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, किसान भाइयों और मीडिया के सभी साथी, मैं सबसे पहले सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, किसान भाइयों और मीडिया के सभी साथी, मैं सबसे पहले